मुख्यमंत्री जी आपका विकास देखिए फिर से बह गया, इस बार नदी में बहा है। पुल पुलियों के बीच जो विवाद आपके नेता खड़ा करते हैं कि पुल नहीं पुलिया बहा है, साहब ये पुल पुलिया नहीं बल्कि आपका विकास बहा है। बनाया किसने सवाल उस पर नहीं, बहा कब सवाल इस पर है। अब सत्ता पक्ष की तरफ से सफाई आती है कि बिहार में पुल और पुलिया नहीं बह रहा, नहीं डूब रहा, नहीं टूट रहा है, तो मुख्यमंत्री जी और आपके तमाम नेताओं से हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये तस्वीर किस चीज की है और इस पर लोग फोटो क्यों खिंचवा रहे हैं। ये तस्वीर आपको हैरान कर देगी क्योंकि है ये तस्वीर बिहार के पीरपैंती की है, ये बिहार के विकास की तस्वीर है। तस्वीर को देखिए और इस तस्वीर में क्या कुछ खास है वो हम आपको बता रहे हैं। दरअसल बिहार में पुल गिरने का सिलसिला लगातार जारी है और इस पुल गिरने की घटना के बाद बिहार में सियासत भी खूब हो रहा है। सत्ता पक्ष सफाई दे रहा है तो विपक्ष सरकार को आईना दिखा रहा है। लगातार तेजस्वी और उनके लोग बिहार में पुल गिरने के मामले पर सरकार के अंदर भ्रष्टाचार को लेकर खूब सवाल उठा रहे हैं। इसी बीच शुक्रवार को भागलपुर में एक और पुल गिर गया। हालांकि इस पुल गिरने की वजह से जो लोग हैं स्थानीय लोग उनका आवागमन ही बाधित हुआ है, बाकी कुछ खास तो नहीं हुआ है, सरकार के लोग ये दलील दे सकते हैं। खैर बताते हैं आपको कि पूरा माजरा क्या है। दरअसल भागलपुर जिले के पीरपैंती में बकरापुर और बाबूपुर पंचायत समेत कई गांवों को जोड़ने वाला संपर्क पथ टूट गया है। इस पुल का निर्माण 2 साल पहले ही हुआ था, लाखों की लागत से यह पुल बना था लेकिन यह पुल जल समाधि ले लिया है। पुल पुलियों के गिरने की वजह से ग्रामीणों में काफी हड़कंप मचा है। नदी के ऊपर किसी भी प्रकार के पुल पुलियों से जाते हुए लोगों के मन में शंका भर जाता है। खैर 5 पंचायतों की आबादी का यह पुल टूटा है। अब प्रखंड मुख्यालय और बाजार से इसका संपर्क पूरी तरह से खत्म हो चुका है। लोग जान को जोखिम में डालकर इस पुल से आने जाने को इस तस्वीर में मजबूर दिख रहे हैं। आप जो वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो में आपको कई लोग मोटरसाइकिल से आते जाते भी दिखाई पड़ रहे होंगे। कुछ लोग तस्वीर खिंचाने के लिए तो कुछ मजबूरी में ही सही मगर पुल पर आ और जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि पुल टूटने के बाद ग्रामीणों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जिला प्रशासन के अधिकारी अब तक खबर लिखे जाने तक और खबर बताए जाने तक नहीं पहुंचे थे। वहीं इस पुल के टूटने के कारण लगभग 1 लाख की आबादी का सीधे तौर पर प्रखंड मुख्यालय और बाजार से संपर्क खत्म हो गया है और इसी को लेकर अब फिर से सियासत शुरू हो गई है कि आखिर ऐसा क्या है कि बिहार में आए दिन पुल गिरते हैं, पुलिया ढह जाते हैं। खैर 2 साल पहले यह विकास हुआ था तो जनता दल यूनाइटेड और उस पार्टी के दूसरे नेता यह कह नहीं सकते हैं कि इसमें भी विपक्ष की साजिश है। खैर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में 19 सालों से हैं। बिहार के विकास में अगर तरक्की के लिए क्रेडिट नीतीश कुमार को जाता है तो फिर बिहार में बदहाली के लिए भी 19 सालों के अंदर जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही है इसके लिए भी तमाम जो शिकायतें हैं, तमाम जो आलोचना है वो भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ही होगी। ढेर दिक्कत नहीं करना होते तबियत खराब हो गई निकले दबा तो वही छब्बीस वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल।
नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।